अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल किचन विद अतिया। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज मुनफरिद अंदाज में, जिसे आप बनाकर जीत लेंगे अपने घर वालों का दिल और अपने मेहमानों का दिल। बस आपने करना ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना फीडबैक मुझे देना है और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज मैं आपके लिए बीफ की एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ मुगलई हांडी। बीफ मुगलई हांडी बनाने के लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है। बीफ मैंने विद बोन लिया है, बोनलेस बीफ मैं इसमें यूज नहीं करूंगी। इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट मैंने डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 बड़े साइज में टमेटोस, 1 कप दही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और जो इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे वो बहुत थोड़े से स्पाइसेस हैं जो इसमें मैं ऐड करूंगी। उसमें मैंने हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च यूज कर ली है। हाफ टी स्पून मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने बॉईल करते हुए डाल लिया था इसलिए मैं नमक दोबारा से शामिल नहीं करूंगी। चले अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, मैंने जिस पानी में बीफ को बॉईल किया था मैंने वो पानी वेस्ट नहीं किया, बल्कि वो पानी मैं अब यूज करूंगी। उसी पानी में मैं बीफ को दोबारा से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पानी को वेस्ट कर दूंगी तो इससे क्या होगा कि बीफ की जो टेस्ट और बीफ की जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाएगी। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमेटोज को मैंने कट कर लिया है स्लाइसिस में। अब हमने बस इसको पकाना है, इतना पकाना है कि टमेटोज जो है वो सॉफ्ट हो जाए, पानी अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें और जीरा। इसको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज मैं इसमें साबुत ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट इसका फ्लेवर लेकर आना है, इसलिए मुझे बस साबुत ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको आप इसमें अगर आप साबुत ही डालें तो वो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट डिवेलप हो जाता है। बस अब आपने करना ये है कि इसको अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है, ताकि टमेटो जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और पानी ड्राई हो जाए अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही रूम टेम्परेचर पे मैं यूज कर रही हूँ, फ्रिज की दही मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने फ्रिज की दही यूज नहीं करनी, क्योंकि उससे ये होगा ये कि जैसे आप उसको ऐड करेंगे तो उससे वो फौरन सालन में जाके फट जाएगी, जिससे उसका टेस्ट और उसका जो लुक है सालन की वो खराब हो जाएगी। दही डालने के बाद बस इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है, ताकि जो इसका ऑयल है वो इसकी सरफेस पे आ जाए। आपने इसकी भुनाई हल्के हाथ से करनी है, ताकि जो गोश्त है वो टूटे ना। आपने इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। इसमें हमने प्याज ऐड नहीं की है, और प्याज ऐड करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो टमेटोज और दही से ही बन जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी को सेट कर सकते हैं। कसूरी मेथी और कुटी हुई मिर्चें डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस आपने इसकी जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी इसमें शामिल करके और आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देना। लीजिए, हमारी मज़ेदार बीफ मुगलई हांडी रेडी है। मैं इसको अब डिश आउट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती जाए।